कि सुनकर ही बेड़ा पार होगा। कोई दूसरा इस कलिकाल में बेड़ा पार करेगा कोई साधन नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत ये हो ही नहीं सकते। योग करना बहुत कठिन है। ये जो हम योग करते हैं सवेरे, ये योग व्यायाम है, ये योग व्यायाम है। इसे शरीर स्वस्थ रहता है। आत्मा को शुद्ध करने का योग ध्यान दूसरा है। यज्ञ करना और कठिन है। योग यज्ञ जप जब मैं देखा होगा आपने, माला जपते जवाइयां आने लगती है, जवाइयां आने। और कई को तो ऐसी बढ़िया नींद आती है माला ऐसे कर लेते। योग जप यज्ञ जप तप, बाप रे तप करना तो बहुत ही कठिन है। धुनी रमना तप नहीं है, उस तप का एक प्रकार है। तप कहते हैं सत्य को, शील को और सदाचार को जीवित रखने के लिए अपने जीवन में, सत्य को, शील को और सदाचार को अपने जीवन में जीवित रखने के लिए कष्ट सहन करना, दुख सहन करना, हानि सहन करना, इसको कहते तप। और व्रत तो और कठिन है। व्रत वाले दिन आदमी दिन भर खाता है, इधर से जाएगा मुनक्का चबा लेगा, इधर से जाएगा मखाने चबा, इधर जाएगा केला खा लेगा, उधर जाएगा अमरूद खा लेगा। जरा चाय लाओ, सिर में भारीपन हो रहा है। अच्छा तो चिप्स सेक लाओ, दो पापड़। दिन भर खाता है। व्रत करना बहुत कठिन। व्रत माने किसी शुभ नियम का पालन करना जीवन में, कठिन है। करते तो है बहुत कठिन है, होता नहीं है, चर्चा तो करते होते। और पूजा पाठ कहाँ है, जितने बैठो टाइम ही नहीं मिलता है, तो ये कठिन है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते, सबकी इच्छा होती है, कर नहीं सकते। युग का प्रभाव है, आयु क्षीण है, मन चंचल है, वातावरण प्रदूषित है, भीतर कलह भरी है, भोग हिलोरे मार रहे हैं, व्यस्तताएं नाच रही है सामने, कैसे करें कैसे बैठे, मुश्किल पड़ता है। तो एक ही काम, राम ही सुमीरी ये गाइए, राम ही, राम ही सुमीरी ये गाइए, राम ही, संतत सुनिए राम गुण गा, ने दो ही बात बताई। कानों से भगवान की बातें सुनो, हम संसार की बातें और विशेषकर पड़ोसी की बातें बहुत मन लगाकर सुनते हैं, किसने क्या कर दिया, कौन क्या कर आया। तो कानों से भगवान की बातें सुने और होठों से भगवान की बातें करें। भगवान की बातें भगवान का नाम, भगवान की बातें भगवान का नाम, होठों से भगवान का नाम और कानों से भगवान की कथा, भगवान की कथा वार्ता। इसलिए कथा के साथ वार्ता शब्द जुड़ता है, कथा वार्ता। इसे सुने बेड़ा पार हो, कोई कलयुग नहीं है। हम केवल आलसी हो गए और अपने पाप को छुपाए रखे, मैं क्या करें कलयुग ही ऐसा। कलयुग कहाँ से है, कलयुग क्या है? कलयुग में भी सत्युग से ज्यादा अच्छे लोग जन्म ले कर आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप जिन जिन ग्रंथों को पढ़ते हो, जिन जिन महापुरुषों की कथाएं सुनते हो, जीवनियां पढ़ते हो, आपके घरों में चित्र लगे हैं दीवारों पर, एक भी उनमें सत्युग का नहीं है, द्वापर का नहीं, त्रेता, सब कलिकाल के ही तो हैं। चाहे क्रांतिकारी हों, चाहे देशभक्त हों, चाहे संत हों, ऋषि हों, मुनि हों, महात्मा हों, त्यागी हों, तपस्वी हों, जो भी है सब इसी युग के। कलयुग को मत रो, अपने को रो कि मैं जीवन को व्यर्थ किए दे रहा हूँ, इतनी आयु मेरी चली गई, कल का कोई भरोसा नहीं।